छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में प्राकृतिक संपदा वाला जो हमारा लेसन है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने वायु के बारे में पढ़ा, जल के बारे में पढ़ा, ये सब प्राकृतिक संपदा है। और तो अब हम पढ़ेंगे आज मृदा के बारे में। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। तो आपने देखा जो जीवन है हमारा, जो पेड़ पौधे हैं वो किसमें वृद्धि करते हैं, किसमें उगते हैं? मिट्टी में। तो मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपदा है। और ये मिट्टी है क्या और कैसे बनती है? तो जो पृथ्वी है उसकी जो सबसे ऊपर की जो परत है, पृथ्वी की तीन परतें होती हैं, और जो अंदर वाली होती है बहुत, तो बहुत गहरी होती है, क्रोड। जो ऊपर की होती है उसको हम बोलते हैं भूपर्टी। क्या बोलते हैं? या ऊपरी मृदा भी कह सकते हैं इसको, भूपृष्ठ। और इस परत में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की मिट्टी और खनिज पाए जाते हैं। और इस प्रकार ये खनिज में ही जो पोषक तत्व होते हैं, ये जीवों को क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं पेड़ पौधों को, और उनको विभिन्न तत्व प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो खनिज, यदि जो खनिज संपदा है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, यदि मिट्टी में ये मिट्टी ना होती, मिट्टी अलग चीज है और एक बड़े पत्थर अलग चीज है, चट्टान अलग होती है, तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। यदि मिट्टी ना होती तो ये खनिज तत्व बड़े पत्थरों के साथ मिलते नहीं। फिर जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कैसे उनको ग्रहण करते हैं? क्योंकि मिट्टी में, पानी में घुल जाते हैं ये। तो ये जो मिट्टी बनी हुई है, तो ये लाखों वर्षों के समय अंतराल में पृथ्वी की सतह पर उसके पास जो बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, और जो तो उनके द्वारा ही मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। आप जो धूल देखते हो ये ऐसे नहीं बनती है, लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूटते रहते हैं। तो ये किस कारण से टूट जाते हैं, तो वो हम कारण पढ़ेंगे कि जो जो बड़े पत्थर हैं और बड़ी चट्टान हैं, एक तो सूर्य के कारण भी, क्योंकि जब सूर्य के कारण जब चट्टानें गर्म होती हैं दिन के समय, और रात के समय ये चट्टानें क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, तो इनमें गर्म होने पर इनमें प्रसार होता है, और रात को जब ठंडी होती हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं, और फैलने और सिकुड़ने से पत्थर क्या होते हैं, थोड़ा सा उसका बीच का हिस्सा धूल के रूप में जमीन में गिर जाता है। और ऐसा रोज होगा, रोज दिन और रात होते हैं, और इस प्रकार पत्थरों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और उसका कुछ हिस्सा निकलकर छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी में मिल जाते हैं, और यही मृदा का निर्माण करते हैं। तो सूर्य भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो मृदा को बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जल। आपको मालूम है जल जहाँ से होकर गुजरता है चट्टानों के बीच से, कभी कभी ठंड के कारण वो जम भी जाता है, और लगातार यदि जल बहता रहता है तो पत्थर भी कट जाता है। एक ही बार बार उसी दिन रात उसी जगह से जल बहेगा तो कटाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी ये जल कहाँ दरारों में भर जाता है, और ज्यादा ठंड पड़ी तो बर्फ के रूप में जम जाएगा, तो एक दरार क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और उससे भी कुछ कण निकल के जमीन में गिर जाते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि चट्टाने टूट जाती हैं। तेज बहता हुआ जल भी कठोर पत्थरों को क्या कर देता है, तोड़ देता है, और ये गति के साथ बहता हुआ जल अपने छोटे बड़े पत्थरों को भी बहा कर ले जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे जो कण हैं चट्टानों से टूटकर गिर जाते हैं, और इस प्रकार जो मिट्टी है वो बन जाती है, और अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर भी चली जाती है। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है हवा। जब हवा बहुत तेज चलती है तो पत्थर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं, उनके गिरने से भी टूट जाते हैं, और उसकी धूल गिर जाती है, और इस प्रकार मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मतलब मृदा। एक पौधा होता है लाइकेन, आपने पढ़ा था, मैं शुरू में 9th में पढ़ाया था आपको। लाइकेन सहजीवी एक पौधा है जो पत्थरों की सतह पर क्या होता है, उगते हैं,
और जब उगते हैं तो एक प्रकार का ये चूने जैसा पदार्थ सफेद छोड़ते हैं, और वहां पर एक पतली परत बन जाती है मिट्टी की, और जो मॉस आप पढ़े हो ना ब्रायोफाइटा संघ में, जो मॉस जैसे छोटे पौधे वहां उग जाते हैं, और पत्थरों के बीच से ये पौधे उगते हैं और पत्थर को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे धूल और कणों के रूप में तोड़ देते हैं। कभी कभी पेड़ों की जड़ें, मूल मतलब जड़ें भी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं, और भी दरार को क्या कर देती हैं, चौड़ा, और इस प्रकार बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मिट्टी है एक प्रकार का मिश्रण है, और मिश्रण मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के कण मिले हुए रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे उगते हैं तो उन्हीं के बचे हुए अवशेष, पत्तियां, सड़े गले, जीव, मृत सब मिल जाते हैं। जब वो मिल जाते हैं उस मिट्टी में, और जो मिट्टी में पोषक पदार्थ भी मिल जाते हैं, तो उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। एक प्रश्न आता है, ह्यूमस किसे कहते हैं? तो ये जो मिट्टी है इसमें ह्यूमस भी मिल गया है, और इसमें क्या होता है, अब जो मिट्टी में ये पेड़ पौधों को उगने में सहायता करता है। अब मृदा के अलग अलग प्रकार होते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, आपने देखा काली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, तो ये उनके आकार के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं मिट्टी को कि उसके कण कैसे हैं, और ह्यूमस की मात्रा उसमें मिले हुए सड़े गले जीव तो किस प्रकार ये उपजाऊ हो सकती है। तो मृदा की जो रचना है वो ह्यूमस है, और ये मृदा को सरंध्र बनाता है। सरंध्र मतलब पोला बनाता है, मिट्टी को छेददार बनाता है, जिससे वायु और जल मिट्टी के अंदर जा सके, और इस कारण जब वो अंदर हवा और जल चले जाते हैं तो जो खनिज पोषक तत्व हैं जो उस मृदा में पाए जाते हैं वो वहां के पत्थरों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी हुई है। तो अब इस मृदा पर कौन सा पौधा होगा और कौन सा पौधा नहीं होगा, उस मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं, उसके आधार पर ही ये पौधे वहां पर उगते हैं। तो इस प्रकार मिट्टी की जो ऊपरी परत है जिसमें मृदा के कण तो होते ही हैं, ह्यूमस होता है, और उस पे सजीव स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऊपरी मृदा। तो ऊपरी मृदा क्या है, इसमें ऊपर की परत, मिट्टी की जो ऊपर की परत है और जिस पर पेड़ पौधे आसानी से उग सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक ह्यूमस भी इस प्रकार है, ये हमारी मतलब मिट्टी में पाए जाते हैं, और इसमें ह्यूमस का प्रकार भी अलग-अलग होता है, और इस प्रकार विभिन्न जीव विभिन्न पौधे उसमें क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हो ना आजकल जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें कुछ दूषित पदार्थ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम वो मृदा क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इस प्रकार उसको बोलते हैं मृदा प्रदूषण। कैसे होती है, सिंचाई करते हैं तो कीटनाशक है, या उसमें खेती करते हैं तो हम कीटनाशक और उर्वरक और पीड़क नाशक बहुत मात्रा में जमीन में डाल देते हैं, और ये ज्यादा देर जमीन में रहती है तो ये हमारे सूक्ष्म जीवों को क्या कर देती है, मृत कर देती है, और मिट्टी की जो गुण है, गुणवत्ता है, संरचना, उसको भी खराब कर देती है। तो हम देखते हैं कि मृदा के पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण करना पड़ता है, कि हमको मिट्टी अदलना बदलना है, पेड़ पौधों को उस मिट्टी से अदल बदल कर हर वर्ष मिट्टी में लगाना है। तो ये उर्वरक और पीड़क नाशक हैं, ये केंचुओं को भी नष्ट कर सकते हैं, और केंचुए हैं तुम्हें मालूम है, खेती और किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि ये हमारी भूमि को बहुत अच्छा बनाते हैं। कहीं कहीं तो केंचुए की खाद मिट्टी में डाली जाती है ताकि मिट्टी हमारी पोली हो जाए। तो केंचुए भी नहीं रहेंगे तो हमारी जो मृदा है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उपयोगी घटकों का मृदा से हटना और हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, जो कि मृदा की उपजाऊपन, उर्वरता मतलब उपजाऊपन को प्रभावित करता है, और हमारी जो मिट्टी है वो नष्ट हो जाती है, भूमि नष्ट हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भूमि प्रदूषण।
और जो मिट्टी का निर्माण हुआ है वो एकदम से नहीं हुआ कि हम सोचे एक दिन में यहाँ मिट्टी बन जाए, नहीं होगा, धूल बन जाए। जो मिट्टी बनी हुई है ये मतलब बहुत दिनों से बन रही है, पेड़ पौधे सॉरी चट्टाने हैं, पत्थर हैं बड़े बड़े, वो टूट रहे हैं जल के कारण, सूर्य के कारण, ताप के कारण। तो बहुत दिनों में ये मिट्टी निर्मित हुई है। तो हम कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले कुछ कारक, यदि हम इनको दूसरे स्थान पर मिट्टी को भी ला देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधों की उगने की क्षमता कम हो जाती है। मिट्टी के महीन कण कभी कभी वायु या जल के साथ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और इस प्रकार मिट्टी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसकी उर्वरता, उसकी उपजाऊपन भी प्रभावित होता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी मिट्टी खराब हो जाती है। अब जो पौधे हैं, जड़ हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं। क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। यदि मिट्टी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो इससे मृदा का अपरदन होता है। अपरदन मतलब मिट्टी का क्षय होना। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी बहकर समुद्र के पानी में, नदी के पानी में चली जाएगी, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जड़ें वो मृदा के अपरदन को रोकती है, मतलब मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने से क्या करती हैं, रोकती हैं। आपको मालूम है कभी कहीं सड़कों का निर्माण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो जंगल कट रहे हैं। जंगल कटने से हमारी जैविक विविधता, जंगलों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को क्या बोलते हैं, जैविक विविधता, वो नष्ट हो रही है। तो हमें वनस्पति के लिए उपरी मृदा और अपरदन, मिट्टी का क्षय, इसको प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। किससे, कट जंगल के कटने से हमें इसको रोकना है। तो मृदा अपरदन को रोकना बहुत कठिन है, इसके लिए हमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक घटक हो गया, जल पड़ा, वायु पड़ा, मिट्टी पड़ा। अब हम दूसरे खनिज पदार्थ का भी चक्रण देखेंगे कि वो भी हमारी भूमि में कैसे आते हैं और उनका क्या उपयोग होता है। तो जैव रासायनिक चक्र, चक्र मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका स्थानांतरण होता है, उसको हम बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र। एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में जाता है। जैसे आप पानी देखते हो ना, जमीन में बारिश से आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, और फिर वापस पर, एक चक्र चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जैव रासायनिक चक्र। तो ये जैव रासायनिक चक्र जीव मंडल में होता है, इसमें जल थल और स्थल पूरे वायु भी रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न पदार्थों का, और विभिन्न पदार्थों से क्या मिलती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार एक चक्र स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और संतुलन बना रहता है। तो हम पढ़ेंगे अब जैव रासायनिक चक्र, इसमें हम पढ़ेंगे जलीय चक्र। किस प्रकार ये जल, देखना आप इस चित्र के द्वारा आप से देख सकते हो कि ये भूजल है, ये समुद्र है, ये सतही जल है। सतही जल ये देख रहे हो तीर का चिन्ह, ये वाष्पीकरण, वाष्पीभवन के ऊपर जाता है, सूर्य की गर्मी से पानी भाप बन जाती है, और इस प्रकार ये देख रहे हो बादलों का निर्माण होता है, और यही बादल क्या करते हैं, बरसते हैं पानी के रूप में। ये देख रहे हो आप वर्षा, तथा ये बर्फबारी के द्वारा, एरो देखिए आप, ये इस प्रकार लगे हुए हैं, नीचे आता है और फिर वापस ये जल, देखो यहाँ से गया और यहीं आ गया, और फिर यहाँ से वापस, फिर श्वसन क्रिया के द्वारा हम पानी की भाप छोड़ते हैं। इस प्रकार वास पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी उड़ता है, तो वापस ये पानी यहाँ चला जाता है और फिर ये फिर से वापस, तो ये कहलाता है एक चक्र। तो हम देखते हैं कि जो जलीय चक्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चित्र भी आपको बनाना है। तो जलाशय जानते हो, जहाँ पानी भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, जलाशय। वाष्पीकरण मतलब, वाष्पीकरण का क्या अर्थ है, पानी का वाष्प बनना, पानी का जो रहता है ना वो वाष्प बनना, भाप
बनना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण। अब वहां जाता है पानी भाप बन के, फिर वो इकट्ठा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? संघनन। और इस प्रकार वो वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े महासागर हैं उनमें पानी हमेशा भरा हुआ रहता है। और फिर ये नदियां किस में खुल जाती हैं? समुद्र में। और इस प्रकार जल का क्या होता है? चक्रण होता है। और सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है वो समुद्र में नहीं जाता, कभी कभी पृथ्वी में अंदर चला जाता है। और भूजल, आप देखते हो ना, आप कहीं कहीं पर ये नलकूप या क्या कहना चाहिए, जेट लगे हुए रहते हैं, जेट मशीन से हम लोग पानी निकालते थे, भूजल है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाते हैं। और इस प्रकार हम नल कूप और कूपों की मदद से नीचे का जल क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। और उस जल का जीव जंतु क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और वापस ये जल फिर से नालियों द्वारा नदियों और इस प्रकार समुद्र में चला जाता है। और इस प्रकार बहुत से पोषक तत्व भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और समुद्र में भी चले जाते हैं। और समुद्री जीव जंतुओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो रहेगा कि जो है वो मृदा प्रदूषण क्या है। और इसका एक प्रश्न और हो सकता है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, ह्यूमस क्या है? ये भी मृदा से संबंधित है। ह्यूमस क्या है? इनको आप हल करिए। और बुक का पूरा एक बार अपनी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है जो आपकी, उसका अध्ययन करते रहिए ताकि इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।